For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मैं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक सहेल आपसे मुखातिब हूँ. मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हूँ. मेरी स्पेशलाइजेशन में स्पाइन सर्जरी यानी कि कमर की सर्जरी हर किस्म की, जिसमें कमर का टेढ़ापन या इन्फेक्शन या और कोई चीज़ें होती हैं. इसके अलावा मेरा जो दूसरी स्पेशलाइजेशन है वो है जोड़ों को रिप्लेस करना, यानी कि कुदरती जोड़ की जगह मस्नूई जोड़ या आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देना उन हालात में जब जोड़ ख़राब हो जाते हैं. मैंने इंग्लैंड से FRCS किए हुए है. उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अपनी ट्रेनिंग, स्किल और जो बाकी एक्सपर्टीज़ है उसको मैंने डेवलप किया है. और मैं पिछले 30 साल से या इससे भी ज़्यादा यहीं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूं. और इसमें मैंने जो लाहौर के बड़े अस्पताल जितने हैं, सर्विसेज है, जना है और मेयो है, इन सब में मैंने एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुका हूं. और मैंने जूनियर डॉक्टर को ट्रेन किया है और वहां के ऊपर मैंने जो मुझसे हो सका कंट्रीब्यूट करना टूवर्ड्स डिवेलपमेंटल डिपार्टमेंट एंड टूवर्ड्स दी एकेडमिक साइड एंड ऑल्सो ट्रेन माई जूनियर्स, वो मैंने किया है. नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ना, ये एक जोड़ को बदलना. आम फहम लोगों में ये होता है कि पता नहीं लंबा चौड़ा इंसीजन दे के जोड़ को बदल दिया जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा, उसी किस्म का नया डाल दिया. ऐसा नहीं होता. नी सर्जरी अगर आप देखें तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है कि वक्त के साथ जैसे जैसे इंसान उम्र के साथ बड़ा होता है उसके जोड़ों में शिकस्त रेख्त होती है और जो जोड़ जो है ना वो घिस जाते हैं. घिसने के साथ वो दर्द करते हैं. उसके जो ऊपर जो कार्टिलेज होती है जो बहुत ही उसकी स्मूथनेस को मेंटेन करती है वो ख़त्म हो जाती है और जॉइंट बड़ा खुरदरा हो जाता है. और कुछ अरसे के बाद तो हड्डी के हड्डी टकरा रही होती है जिसकी वजह से ना बंदे में चलने में प्रॉब्लम होती है और उसको मूव करने में भी आवाज़ें आती हैं, दर्द होती है और चलते भी हैं तो वो लगता है कि जैसे गिर जाएंगे या शदीद दर्द शुरू हो जाती. और इन हालात में जोड़ जो है, जो बेसिक प्रॉब्लम जो है ना, वो शिकस्त और रेख के साथ ये नहीं होता कि कोई जोड़ सारा ही ख़राब हो गया, नहीं, उसकी जो सतह है ना वो घिस जाती है. जो सतह जो एक कार्टिलेज की बनी होती है जो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्लायबल होती है, जो आपके शौक ज़ोपिक के तौर के ऊपर काम करती है और इसी तरह वो आपको स्मूथनेस जो है उसको मेंटेन करती ताकि आपका रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो बहुत हद तक पेन फ्री और नॉर्मल रह सके. जब इसको जोड़ को हम बदलना कहते हैं, हम ये जोड़ की सारी हड्डी को नहीं निकालते किसी तरह से भी, नी जॉइंट के सिर्फ उसकी सरफेस को रिप्लेस करते हैं. जैसे बहुत पुराने ज़माने में होता था कि एक अमीर आदमी अगर दांत ख़राब हो गया तो उसके ऊपर वो सोने का खोल चढ़ा देते, वो कैपिंग हो जाती थी. इसी तरह ये जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इसमें जोड़ की हड्डी नीचे वही रहती है जो पेशेंट की ओरिजिनल है, मगर उसकी जो सतह जो है जो घिस गई है, जो अनइवन हो गई है, जो इतनी घिस के जो नीचे से बोन एक्सपोज हो गई, उसको आप रिप्लेस कर देते हैं. जैसे कि ये जो है ये एक नी का एक हिस्सा ही है. इसमें आप ये देखें कि इसमें ये वाइट वाला पोर्शन ये रिप्लेस सर्विस है. ये सरफेस इतनी ही थिक होती है, इससे ज़्यादा थिकनेस नहीं होती. और इसी तरह ये एक किस्म का होल जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है जो एक कुदरती जो कार्टिलेज होती है या सतह होती है जोड़ की, उसको रिप्लेस कर देता है. बाकी हड्डी नीचे वही रहती है मरीज़ की, उसको हम नहीं काटते. उसको हमें शेप इस तरह की देनी होती है कि ये जो शेल है या जिसकी जो सरफेस रिप्लेसमेंट है ये उसकी जगह सही तरीके से बैठ जाए और जोड़ की अलाइनमेंट सही हो जाए और जोड़ हरकत अपने बिल्कुल सही बायोमैकेनिकली जैसे करनी चाहिए करे और स्मूथ हो. इसी किस्म की जो रिप्लेसमेंट है वो नीचे वाले हिस्से में भी होती है, जिसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है
ये प्लास्टिक का होता है, एक हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है जो एक किस्म का प्लास्टिक है जो मेडिकल ग्रेड का होता है, ये ऑर्डिनरी प्लास्टिक कतई तौर पे नहीं है। और ये एक किस्म का इसको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, शॉक अब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम वो जो सतह है उसको यू नो नया बना देता है, और इसके साथ अलाइनमेंट भी जोड़ की बेहतर हो जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो जोड़ हैं घिसने के साथ उनके वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, और जब मरीज़ खड़ा होता है तो उसकी टांगें थोड़ी सी टेढ़ी बो लेग जिसे कहते हैं वो हो जाती, मगर रिप्लेसमेंट के साथ वो बो लेग जो है वो डिफॉर्मिटी भी कम करेक्ट कर देते हैं, उसकी सतह को बदल देते हैं, और उसके साथ मूवमेंट आपकी सही हो जाती है, घुटने की अलाइनमेंट सही होती, सारी टांग की अलाइनमेंट सही होती, जिसकी वजह से मरीज़ के जो सिम्टम हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और मरीज़ चलना फिरना सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बहुत ही आसानी से चल फिर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जोड़ का जो बदलना है वो किसी इसकी अपनी एक इंडिकेशंस कह लें या एक ज़रूरियात कह लें कि जिन में ज़रूरत है। सबसे पहला तो ये है कि आप जो उम्र के साथ जोड़ घिस जाते हैं और चलना फिरना उनका मुश्किल है, दुश्वारी है उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने, उनको बदलवाना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजरे और किसी के ऊपर वो मुनसर ना हो, उनका इन्हसार किसी अजीज़ अकारब बहन भाई बेटे वगैरह के ऊपर ना हो, वो अपने खुद ब खुद ही चलें उठें बाहर घर के अंदर बाहर सैर करें और अपना जो है ज़िंदगी को एंजॉय करें, बजाय इसके कि वो दर्द के साथ दर्द की दवाइयाँ खाते रहें जिससे मैदा भी ख़राब होता है, फिर दर्द हर वक्त अगर हो तो बंदे की साइकी चेंज हो जाती है, बंदा हर वक्त डिप्रेस रहता है परेशान रहता है क्योंकि जब भी वो उठने की कोशिश करता है तो दर्द होती है मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उसका जो आउटलुक है वो इतना रहता ही नहीं है बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल। तो इन लोगों को डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में जोड़ बदल देना चाहिए क्योंकि आपकी अलाइनमेंट सही हो जाएगी, मूवमेंट आपकी ऑलमोस्ट नॉर्मल आ जाती है, और दूसरा ये है कि पेन फ्री हो जाते हैं। तो आप किसी के ऊपर सहारे के ऊपर नहीं बैठे रहते कि जी कोई आएगा तो मुझे कोई चाय वाय दूध पिलाएगा या मेरी लुक आफ्टर करेगा, आप खुद ही उठ के कर सकते हैं सारे काम। तो बाकी एक तो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वक्त के साथ जो जोड़ घिस जाते हैं, उम्र के साथ घिस जाते हैं, उसके अलावा अगर आपकी इंजर होने के बाद जोड़ आपका बहुत ख़राब हो जाता है या गंठिया है या उसकी अगले बेशुमार और वैराइटीज़ हैं, गंठिया में भी जोड़ बदला जाए क्योंकि गंठिया एक ऐसी बीमारी है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें जो उसकी जो लाइनिंग है झिल्ली जो अंदर होती है जोड़ के वो सूज जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो कार्टेज है उसको खा जाएगी और हड्डी को भी आहिस्ता आहिस्ता इरोड कर देती, जिसकी वजह से जोड़ एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं रहती और उसकी जो सरफेस है या उसकी सतह जोड़ की है वो भी सही नहीं रहती, और पेशेंट बार बार घुटने का सूजना और उसके अंदर दर्द का होना, इन लोगों में भी जोड़ बदल लेना चाहिए। इसके अलावा और कोई ऐसी कैफियत जिसमें जोड़ की सतह नॉर्मल ना रहे, कुछ ऐसी रेयर बीमारियां हैं जैसे हीमोफीलिया है या और कोई बीमारी, इन लोगों में जोड़ बदल देना बेहतर है क्योंकि उससे दवाइयों के ऊपर निसार कम, लोगों के ऊपर निसार कम, और आपकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहती है और आप खुद अपना काम करते हैं और अपने आप को लुक आफ्टर करते हैं। सर्जरी इस किस्म की है कि ये सबसे बेहतर तो ओपन सर्जरी है, हम उसे दरमियान में अगर आप ये देखें ये एक मॉडल ही है, हम दरमियान में इसको इंसिशन दे के टिश्यू डिसेक्ट कर देते हैं ताकि इसकी जो ये जोड़ की सतह जो है ये वाली इसको हम देख सकें, इसको रिप्लेस करें। इसी तरह ये जो नीली वाला है ये कार्टेज है, इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 2 घंटे का काम तकरीबन होता है, इंतहाई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, टोटली इसकी यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, तो उसमें 1.5-2 घंटे में ये एक घुटना हो जाता है और उसमें अलाइनमेंट सही है, आपका
सरफेस इसकी भी बदल गई और इस टखने के घुटने के नीचे वाले हिस्से की भी बदल गई, और ये बाज़ का ये जो नी कैप है हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं ताकि ये पटल्ला जिसे नी कैप कहते हैं इसको एक बटन के साथ जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का बना इसके साथ रिप्लेस करते हैं। सो ये सारा जोड़ इसकी सतह बदल देते हैं ताकि स्मूथ मोशन हो, चलें फिरें और पेन फ्री मोबिलिटी। देखिए एक को हमारे जो लोगों में एक अवेयरनेस की कमी है कि जोड़ बदलना है या कोई और ऑपरेशन करना है, उनको एक तो इतनी तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और उनको समझाना बड़ा ज़रूरी है कि ये इसमें कोई वो नहीं है कि सारा जोड़ निकाला, जैसे कहते हैं सुजुकी का गोड़ा निकाला तो नया डाल दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी सरफेस को बदलना होता है, इसकी जोड़ की सतह को बदलना होता है, उसमें नई सतह लगा देते हैं जो रेडीमेड मिलती है, ऑफ द शेल्फ ही होती है, क्योंकि इसमें हर जो घुटना है उसका साइज़ मुख्तलिफ होता है, औरतों में मर्दों में फ़र्क है, कद और बॉडी साइज़ के लिहाज से भी वेरिएशन आती है, तो हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास सारे साइज़ होते हैं, तो अंदर जो हमें उसकी मेजरमेंट मिले या टेम्पलेट अंदर जो डालते हैं उसके मुताबिक जो मेजरमेंट मिलती है हम उसके मुताबिक घुटने को रिप्लेस कर देते हैं। वैसे ये सारी एक्सरसाइज हम ऑपरेशन से पहले भी करते हैं, हमें पता होता है कि ये कौन से साइज़ का घुटना पड़ेगा, मगर हमारे साथ सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। इसके अलावा कुछ हालतों में जैसे कि घुटने की हड्डी बहुत ही ज़्यादा घुर गई है या वो ख़त्म हो गई है, डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें हमें कुछ एडिशनल चीज़ें डालनी पड़ती हैं जो उसको बिल्डअप करते हैं, इन सूरत हाल में वो चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। तो टेक्निकली कोई ऐसा इशू नहीं है, हर वक्त जब भी हम ऑपरेशन करते हैं नी रिप्लेसमेंट का हमारे पास सामान पूरा होता है, चीज़ें पूरी होती हैं ताकि किसी वो अनटवर्ड सूरत हाल हो, जैसे कोई ऐसी सूरत हाल जो पहले नहीं थी या अंदर डेवलप हो गई या नज़र आई तो अब उसको एड्रेस। जहाँ तक इसका ताल्लुक है ये कितना सक्सेसफुल है, लोगों का आमतौर पे ये ख्याल होता है कि इतना लंबा चौड़ा ऑपरेशन हुआ, इतने पैसे भी खर्च किए तो आराम करना ज़रूरी होगा, हालांकि इसके सूरत हाल इसके बरक्स है। आप नी रिप्लेस करते हैं टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन द मोबिलिटी एंड टू मेंटेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द जॉइंट जो इसको आपने रिप्लेस किया, तो अगर सर्जरी के बाद आपने आराम ही करना है तो वो जोड़ दोबारा स्टिफ हो जाएगा और पेनफुल होना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये सबसे ज़रूरी है इस बात को समझना कि ऑपरेशन के फौरन बाद फिजियोथेरेपी का अमल शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट या आपके जो मॉलेज हैं वो आपको बताते हैं कि जी आपने ऐसी एक्सरसाइज आज ऐसे करना है, दूसरे दिन उसको बेंड करना है, तीसरे दिन उसको ज़्यादा बेंड करना है, चौथे दिन चलना फिरना और सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है, तो आप वैसे ही करेंगे तो जॉइंट आपका एक तो नरम रहेगा और पेन फ्री रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो पट्ठों की ताकत है वो भी बढ़ती जाएगी और उसकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से फंक्शनल जो उसे कहते हैं एबिलिटी वो आपकी ठीक हो जाती और आपका जो फंक्शन जो डिज़ायर्ड फंक्शन है उस नी जॉइंट से वो आपका ठीक हो जाता है। देखिए नी जॉइंट में हम मेजॉरिटी लोग आ कहते हैं कि जी वो एम एस नमाज़ पढ़ सकेंगे कि नहीं पढ़ सकेंगे, देखिए नमाजी नमाज पढ़ने के लिए बहुत एक्सट्रीम हद तक घुटने को इकट्ठा करना पड़ता है, ये हो तो जाता है, मगर आप नमाज के लिए जब अता हयात पे बैठते हैं तो आप के नी कैप के ऊपर और दूसरे जोड़ के जो इंटरफेस है उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा पड़ता है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, गो के हाई फ्लेक्स नी मिलता है मगर प्रैक्टिकली आपको फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो अप टू 120-125 डिग्री इतनी होती है कि आप आराम से नीचे बैठें ज़मीन पे और आराम से कुर्सी पे बैठें और चलें फिरें, आप हाजत के लिए जाएं आएं, उसमें कोई फंक्शनल डेफिसिट नहीं होता। तो दूसरा लोगों का ख्याल है कि ये आराम करना, आराम मैंने जैसे पहले बताया कि आराम की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले दिन से एक्सरसाइज करें और जितने एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका वो बेहतर आउटकम होगा, और जहाँ तक ताल्लुक है कि ये कितना अरसा जोड़ रहता है, बहुत से लोग आके पूछते हैं मरीज़ के जी कितने साल गारंटी दी,
देखिए गारंटी ये आर्टिफिशियस चीज़ है, आप गारंटी देने को तो दे सकते हैं, मगर एक जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक ही ये चलता रहेगा। अगर आपको कहे तरीके के मुताबिक चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत साल चलता है, 15-20 साल तो आराम से गुजर जाते हैं। तो चूँकि ये आर्टिफिशियल होता है, इसमें भी वेयर एंड टेयर होती है जो कुदरती जोड़ में है, मगर अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, मेटलर्जी और प्लास्टिक मटीरियल साइंस की वजह से वेयर एंड टेयर बहुत कम हो गई हुई है। अभी वो वेयर एंड टेयर वाला मसला ना होने के हद तक ही है। सो इसलिए इसकी लंजिविटी बहुत है, 15-20 साल आराम से गुजर जाते हैं, अनलेस कि आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें और उसको बार बार एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर डालें और उसके ऊपर छलांगें लगाना और जंपिंग करना, उन हालात में ये जोड़ इनको डैमेज हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती। मगर आई थिंक गिवन द कैपेबिलिटी ऑफ एन एल्डरली पर्सन, अगर आप उनको फंक्शन रेस्टोरेशन कर दें, चलें फिरें, अपना ख्याल रखें और घर के अंदर चलें फिरें, बाहर भी सैर करें, सीढ़ियाँ उतरें चढ़ें और कोई एक्सट्रीम किस्म की एक्सरसाइज ना करें, मगर ये कर सकते हैं, चलें फिरें, घुटनों को वर्जिश करें, स्विमिंग करें, ये सारी चीज़ें अलाउड हैं, उनको वॉकिंग और लाइट जॉगिंग अलाउड है, इसके दरमियान रहते रहते तो बहुत अरसा चलते हैं, ये 15-20 साल तो कहीं नहीं गए। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये हाउ कैन आई बी अप्रोच या मुझे कैसे मिलना है, आप मरहम के ज़रिए मिल लें, इनका नंबर आपको डिस्प्ले हो जाएगा।